नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि GTIN एग्जम्पशन कैसे लेते हैं। इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके टॉपिक पे वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। लेकिन मेरा वीडियो उनसे हट के इसलिए है क्योंकि मैं इसमें वो चीज़ कवर करने वाला हूँ जो शायद उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मैंने वो सारे वीडियोज़ देखे हैं, उन्हीं स्टेप को मैंने फॉलो किया और मुझे बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़े और वो इशू आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रियल इशूज़ पे वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, टॉपिक समझ में आए, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अमेजोन का सेलर पैनल ओपन कर रखा है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि GTI इंजेक्शन होता क्या है, बहुत शॉर्ट में बता दूँ। एक होता है ट्रेडमार्क, आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में आपको मिल जाता है अगर सब कुछ सही रहा तो आपका वो जिस नाम से आपने मार्क करवाया, नाम से आपने ट्रेडमार्क लिया है। दो तरीके का ट्रेडमार्क होता है, एक होता है लोगो बेस, एक होता है नेम से। आपने XYZ के लिए अप्लाई किया, आपको मिल गया आपकी कैटेगरी के लिए, तब तो आपका ब्रांड हो गया, आप उसका सर्टिफिकेट वगैरह दे देंगे, आपको अप्रूवल मिल जाएगा और वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन एक नए सेलर के लिए ट्रेडमार्क लेके काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको अप्लाई करने और उसको आने में भी साल भर से ज़्यादा का ही समय लग जाता है। तो शुरू शुरू में लोग दो तरीके से लिस्टिंग करते हैं, एक होता है जेनरिक लिस्टिंग, दूसरा होता है GTI इंजेक्शन लेके। जेनरिक का मतलब हुआ वो लोकल प्रोडक्ट जो मार्केट में आपको बिना नाम के मिल जाता है, लोकल कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, आप उसे ला के लिस्टिंग कर सकते हैं। उसमें ड्रॉबैक एक ये होता है कि अगर आपने कोई लिस्टिंग की है, मुझे भी वो चीज़ मार्केट में मिल गई, तो मैं आपके लिस्टिंग पे ही उसको मिरर कर सकता हूँ। यानी अगर आप कोई चीज़ ला के 300 रुपये में बेच रहे हैं और मैं मुझे और सस्ते में मिल गई, तो मैं उसको 200 रुपये में आपकी ही लिस्टिंग पर मिरर करके डाल सकता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि प्राइस मेरी लो है तो बाई बॉक्स पहले मुझे मिलेगा, डेफिनेटली मुझे मिलेगा, और लिस्टिंग आपकी, मेहनत आपकी और प्रोडक्ट मैं बेचूंगा। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि मेहनत उसकी हो और कोई मज़े कोई और ले। तो इसके लिए GTI इंजेक्शन का इन्होंने एक प्रोसेस बनाया है, उसमें आप एक ब्रांड के नाम से ले सकते हैं अप्रूवल और ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन फ्रीडम ही होता है, सबसे बड़ा फ्रीडम ही होता है कि अगर आपने एक GTI इंजेक्शन ले के कोई लिस्टिंग कर दी, तो कोई भी आपके प्रोडक्ट की मिररिंग करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि तब आपके पास राइट्स होगा उस प्रोडक्ट के मिरर जिसने किया है उसको हटवाने का, उसका अकाउंट सस्पेंड करवाने का। पहली बात तो कोई समझदार आदमी आपके प्रोडक्ट का मिरर नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको ब्रांड के थ्रू अप्रूवल लिया है। कैसे लेते हैं ये देख लीजिए, यहाँ पर आपने सेलर पैनल ओपन किया है, इन्वेंट्री पर आइए और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर आइए। अगर आप इसके बारे में पहले वीडियो देख चुके हैं तो मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें वही बताऊंगा जो उन लोगों ने बताया था, लेकिन एक बहुत ख़ास चीज़ बताऊंगा जो शायद उन लोगों ने स्किप कर दिया या फिर हो सकता है स्किप हो गया हो। मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने फेस किया, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ पर नीचे जब आप आएँगे तो अबाउट सेक्शन में यहाँ आपको मिल जाएगा व्हाट इज GTIN, आपको लर्न मोर पर क्लिक कर देना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको लेक्चर नहीं दूंगा ये सब क्या होता है, UPI कोड क्या होता है वगैरह वगैरह क्या होता है, EN कोड क्या होता है, UPC क्या होता है, इसके बारे में नहीं बताऊँगा, काम की बात बताते हैं। यहाँ पे जब आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट अप्रूवल, ठीक है। जिस भी कैटेगरी के लिए आपको GTIN लेना है उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे किचन कैटेगरी को सेलेक्ट किया, यहाँ तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से वीडियो में समझा होगा और का वीडियो देख के। उसके बाद आप वो नाम डालेंगे जिस नाम से आप GTIN लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, XYZ चाहे, एक नाम डाल दिया, नाम डाल दिया मैंने ZZZ 5 टाइम। आप चाहें तो एक साथ कई GTIN ले सकते हैं, एक प्रोडक्ट पर 10 ले सकते हैं एक साथ में। मान लीजिए होम एंड किचन में मैं 10 अलग अलग ब्रांड से बेचना चाहता हूँ तो 10 ले सकता हूँ मैक्सिमम। उसके बाद आप क्या करते हैं, चेक एलिजिबिलिटी पे आते हैं। मेरे ख्याल से ये भी आप सबको पता होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कहा कि आपका ये अप्रूव हो चुका है, ठीक है। इन्होंने कहा
इन्होंने कहा कि आपने जो नाम दिया है अप्रूव हो चुका है, आप बस उसका प्रूफ दीजिए। यहाँ तक भी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ पे मैं क्लिक करूँगा, आप भी कर सकते हैं। असली इशू यहाँ शुरू होता है दोस्तों, उन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने सिंपल बताया है कि आप उस प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिखिए इस कैटेगरी में, जैसे चॉपर बेच रहे हैं, नाइफ बेच रहे हैं आप, कटर बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स के और भी आइटम कटिंग वगैरह के बेच रहे हैं, और सब कुछ भी आप लिख सकते हैं कॉमा देके, और उसके बाद से 3 पिक्चर्स आप ऐड कीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। यही बताया है मैक्सिमम लोगों ने, मैंने बहुत वीडियोज़ देखे, मैंने भी वही चीज़ अप्लाई किया। और मैं बताऊँ, मैंने सामान मंगा लिया था जेनरिक, ढेर सारा, काफ़ी बड़ा स्टॉक मंगा लिया था, क्योंकि मुझे बस इतना पता था कि मैं GTIN लेके सेल कर पाऊँगा। लेकिन जब मैंने सबमिट किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों किया ये मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। उनका कहना था कि प्रोडक्ट के ऊपर परमानेंटली आप जिस नाम से अप्रूवल ले रहे हैं वो नाम प्रिंट होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं स्टिकर चिपका दूँ बॉक्स के ऊपर और अप्रूवल ले लूँ, वो भी पॉसिबल नहीं था। उनका कहना था कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो भी इनाम लिखा हो वो ऐसा प्रतीक हो कि वो परमानेंट है, ऐसा नहीं हो स्टिकर हो, उस पर एम्ब्रॉयडरी टाइप का उभरा हुआ हो, नहीं होता है प्लास्टिक में कट होता है ऐसे कि वो मिटाया ना जा सके, हटाया ना जा सके। तो ये बात अगर मुझे पहले पता रहती तो मैं कुछ प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग करवा के मंगा लेता और उसे अप्रूवल ले लेता। अब इतना बड़ा स्टॉक मंगाने के बाद मुझे पता चला कि ये भी चीज़ होती है। तो डिब्बे पे स्टिकर लगा के काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट पे नाम लिख के काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक नया सेलर बनने जा रहे हैं तो ख्याल रखिएगा, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, सारे प्रोडक्ट नहीं, 1-2-4 कुछ सैम्पलिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पे आप जिस नाम से अप्रूवल लेना चाहते हैं पहले उसको चेक कर लीजिए। अगर इसमें उन्होंने अप्रूव कर दिया, मतलब वो ऑलरेडी किसी ने लिया नहीं है, तो आपको अप्रूव कर देगा और कहेगा सबमिट करने के लिए, तब आप दोस्तों वो नाम उस पर प्रिंट करवा के, जैसे भी हो करवा के मंगाइए, उसका पिक्चर आप अपलोड कीजिए, विद इन 2 मिनट मैक्सिमम 24 आवर वो अप्रूव हो जाएगा और आप उस ब्रांड से अपनी लिस्टिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी तरह गलती की और आपने जेनरिक प्रोडक्ट ले लिया बिना नाम का, ब्रांड के लिया, बड़े परेशान होंगे। मैं बहुत परेशान रहा, मैंने स्टिकर मंगाया, मैं जितना फंडा हो सकता था सारे फंडे लगाए, काम नहीं आया, अंतोगत्वा मुझे पैसे खर्च करने पड़े प्रोडक्ट पे, मैंने ब्रांडिंग करवा के मंगाई, उसको फिर अप्रूवल के लिए भेजा, तब जाके अप्रूव हुआ। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसका स्टिकरिंग मत कराइएगा, उसको एक आता है लेजर, आजकल टेक्नोलॉजी लेजर से वो उसमें प्रिंट कर देते हैं, परमानेंट टाइप का हो जाता है, वो करवा लीजिएगा और तब आप अप्लाई करिएगा, तभी आपको GTIN मिल पाएगा। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और अगर आपको लगे कि मैं कुछ यूजफुल चीज़ बता रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका इससे लेकर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर रहें, बाय दोस्तों।